थोड़ी बात हुई, इसको पेट में दर्द हो रहा था तो अच्छी खासी घर से आई थी मैं। जब ये गांव से आई थी, मैं भद्रवाह से आई, मैं इधर आके मैंने इससे बात की तो इसने अच्छी बातें की, बोला दीदी मेरे को दर्द हो रहा है तो इमरजेंसी में लिए हमने अंदर, तो नर्स वगैरह आ गई। नर्सों ने इसको पता नहीं कौन कौन से टीके दे दिए और इसकी तो सांसी बंद होने लग गई, तो ऑक्सीजन दे दी हमारे को, बोला बाहर निकलो। उनकी मशीनें काम नहीं कर रही, एक जगह पे लगा दी मशीन, वहां से फिर शिफ्ट किया दूसरी जगह पे, काम नहीं कर रही। तो इन्होंने कम से कम 15-20 टीके लगा दिए इसको और एकदम इसके मुंह से झाग आने लग गई और फिर ऐसे दबाने लगे कि जैसे कोई जानवर हो उसके हार्ट पे, उसको हार्ट दबाने लगे। उसका तीन बंदों ने उसका हार्ट दबाया। अगर हमने बोला इनको कि बड़ी लड़की को बचाओ, हमें बच्चे की नहीं है, चलो बच्चा अब जो भी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बड़ी को बचाओ। इन्होंने बोला कि हम देखते हैं अभी, रुको आप, फिर हम रेफर करेंगे। जब इनको पता था कि हमारे पास इधर कुछ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर कहाँ मर गए थे क्या, पैर पकड़ते हैं डॉक्टर और घर में बैठ जाते। देखिए, पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूँ इस फैमिली के लिए, जिनकी एक जवान लेडी जो और जिसके पेट में एक बच्चा था वो इंटरयूटेराइन डेथ हो गई है, तो बड़ा खेद है हमें इस बात का। इस पहले हमारे रजिस्ट्रार महावीश काजी, डॉक्टर महावीश ने देखा 10-20 पे, उसके बाद डॉक्टर आलिया ने उसको देखा, उसके बाद कंसल्टेंट मेडिसिन ने लिखा देखा उनको, और बकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट किया अपने नोट्स के जरिए, ठीक है। और उसके बाद एनेस्थेटिस्ट को भी वहां बुलाया गया, जो पॉसिबल हम कोशिश कर सकते थे इस इन हालात में बचाने के लिए, वो हर पॉसिबल कोशिश की गई है और किसी किस्म की नेग्लिजेंस का मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा स्कोप है जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर लगाया जा सके।